प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू जी, गुड मॉर्निंग। बजाज फिनसर्व एक काफी अच्छे लेवल पे मुझे लग रहा है, ऑलमोस्ट 1535 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 1509 मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1580, 1580 का। ओके, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ गया बजाज फिनसर्व 1534 पे ये कॉल स्क्रीन पे गई है, 70 पे ट्रेड करता हूँ। कोई ऑप्शन है आपके पास क्या इसमें जो आपका रीड किया हुआ हो प्रशांत? एक्चुअली वीरू जी, इसमें एक 1560 की जो कॉल ऑप्शन है थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी होगी, बट क्योंकि महीने की शुरुआत है वो करीबन 24 पे ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है इसको हम 10 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं। ये इस स्टॉक में एक बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, तो ये करीबन 50 से लेके 55 तक जा सकती है। ओके, बजाज फिनसर्व 1560 की कॉल पे नजर रखिएगा, 24 पैसे पे ट्रेड करते हुए। मैं अमूमन थोड़ा सा जो बड़ा स्टॉक होता है उसमें ऑप्शन पे आ जाता हूँ, कई बार पूछ लेता हूँ। आशीष भाई जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वीरेन जी, भेल BHEL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। फ्लैग का पैटर्न बन रहा है और जैसा उसका ब्रेकआउट अब इमिनेंट हो रहा है यहाँ पे इन लेवल्स पे, मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मूव देखने में मिल सकता है। तो 147 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी BHEL में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 136 का कैसे मेंटेन करें। ओके, ध्यान रखिएगा, ये आप कैश में ही ले सकते हैं क्योंकि बैन में है स्टॉक। हालांकि 81% तक पोजीशन आ गई है। आज अगर और पोजीशन थोड़ी सी भी स्क्वायर ऑफ हुई तो चांसेस हैं कि आज ये बैन से बाहर आएगा, लेकिन अभी के लिए कैश में अगर आप चाहें तो इसको अप्रोच कर सकते हैं इस ट्रेड को। चलिए, मेरे ख्याल से ट्रेड्स सारी मोरलेस पूरी हो चुकी हैं। चंदन जुड़ गए हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड मॉर्निंग अनुज। वीरू, देखे बाजार में काफ़ी अच्छा स्विंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंडेक्स की बात करें या फिर सेक्टर की बात करें, पिछले कुछ दिनों से 2-4 सेक्टर हम कंटिन्यूसली बार सजेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि डिफेंस थीम है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम वहाँ पे बना। इनफैक्ट आई थिंक हर बार हमने कोचीन, मास्डोक, GRSE पे रिकमेंडेशन दी, या फिर रेमंड, बॉम्बे डाइंग जैसे काउंटर है। आज हमारा फोकस रहेगा होटल कंपनीज़ पे। हमारा ऐसा मानना है कि सारे के सारे होटल कंपनीज परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और लेमन ट्री में वापस एक नया ब्रेकआउट बन रहा है, तो लेमन टी पे खरीदारी की सलाह होगी। 3 दिनों से हाई राइज हार्ड राइज बन रहा है, उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था। काउंटर में लगभग 8-10% की रैली बननी चाहिए, तो मौजूदा लेवल से खरीदारी की सलाह है। 109.50 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 118-119 तक के टारगेट आपको लेमन ट्री में मिलने चाहिए। लेमन ट्री होटल्स, यहाँ पर चंदन की पिक। राजेश सतपुते, आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, देखिए नजर मेरी भी एक कैपिटल गुड्स पे है, तो एलएनटी के बाद अगर कोई काउंटर मुझे बढ़िया लगता है वो है ABB का। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से 4460, 4450 ये इसका बेस बनेगा, और इसका जो टारगेट बनेगा वो है 4600 से लेकर 4640। तो मैं बाय करूंगा ABB। स्टॉप लॉस रखेंगे 4440 का, 4440 का स्टॉप लॉस, और 4600 प्लस का टारगेट लेके काम करें। ओके, चलिए, ये समय आपके लिए ट्रेड्स। आज की ट्रेड सारी पूरी हुई। 1-2 स्टॉक्स और देखते हैं, और हैवेल्स में अच्छे मूव हैं, गाबा सर ने जो पिक किया था। शर्मिला, ट्रेंड पर क्या भी होगा अब इस समय? लगातार नंबर्स के बाद एक री रेटिंग रही स्टॉक में, लेकिन अब थोड़ा महंगा है स्टॉक। ये रिटेल बास्केट में क्लियरली एक स्टैंड आउट कर रहा है इस समय स्टॉक का। आपका कोई व्यू इस पर? बिल्कुल, यू नो आई थिंक जो आई एम नॉट नेगेटिव ऑन द स्टॉक, लेकिन ये जरूर लगता है कि अब वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव हो गए। लेकिन एक चीज समझनी चाहिए कि यू नो इन दिस स्पेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को थोड़ा रीइन्वेंट करते रहे, कुछ नई चीजें ऐड करते रहे। कि जैसे अभी यू नो उन्होंने उनका जो जूडियो उन्होंने ब्रांड इंट्रोड्यूस किया, वो जिस तरह से चला, तो यू नो यू नीड टू be sort of with the market on that, and Trent has proved that. तो कोई discomfort नहीं है buying करने में, but definitely ये चीज लगती है कि शायद ये price पर अब थोड़ा expensive लग रहा है। Okay, अब शायद थोड़ा expensive लग रहा है। अच्छा, एक stock लेकर आइए, चोलामंडलम। कल ये हमने स्पॉटलाइट में पिक किया था, थोड़ा एक ahead of the curve इसको पिक करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि लग रहा था कि शायद वो चैनल के अपर एंड में आ रहा है। कल ये डे हाई पर बंद हुआ, और आज फिर 1.5% के मूव इसमें। और मानस, इसको आपने पिछले बार अच्छे से ट्रैक किया था, क्या लग रहा है अब ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है, जो जहां उसके बाद इसने काफी कंसोलिडेशन दिखाया था? बिल्कुल अनुज जी, देखिए स्टॉक ने करेक्शन दिखाया, 50-day 20-day मूविंग एवरेज के आसपास बॉटम बनाया, और जो आज क्योंकि एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ये कंटिन्यूएशन है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंटिन्यूएशन है। और स्टॉक बिल्कुल तैयार है अपने पिछले हाईज जो कि 1200 रुपए के आसपास है उसको टेस्ट करने के लिए। तो एक पोजीशनल ट्रेड करंट लेवल्स पे भी लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए। 1122 ये स्पॉट लेवल्स है, कैश लेवल्स है। तो 1122 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 1200 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद 1 से 2 हफ्ते में ही आपको 1200 रुपए के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, थोड़ा आपकी स्क्रीन पे डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ 1148.90 पे। कल जब हम 2 बजे की स्टॉक समरी देख रहे थे, ओआईस का जिक्र कर रहे थे और ऑप्शंस डेटा को एनालाइज कर रहे थे, उसमें एक हमने ट्रेड पकड़ा था M&M फाइनेंस। माना साहब को याद भी होगा क्योंकि मैं आपके पास दोबारा इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप ही से बातचीत हुई थी इस स्टॉक पे। उस वक्त वो डे हाई पे क्लोज हुआ था 297 पे, इट्स नाउ 299.45। माना सी NBFCs में ही ये जो M&M फाइनेंशियल्स है, जो उस पर आपने कल व्यू भी शेयर किया था, ये 300 के ऊपर क्या मतलब लेवल दे सकता है? देखिए, ये कंसोलिडेशन जोन में था जहां पर 300 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस था और 293 के आसपास सपोर्ट था। अब क्योंकि ये स्टॉक 300 रुपए के ऊपर निकला है, मेरी राय में तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न है, 270 से लेकर 308 तक का एक फ्लैग पोल था, उसके बाद हमने फ्लैग पैटर्न देखा और अब हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसलिए अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी M&M फाइनेंस में। ऑप्शन के थ्रू एट द मनी कॉल ऑप्शन ले ले, वो आई थिंक ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी है। इसका जो 300 वाला कॉल ऑप्शन 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 6 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 15 से लेकर 17 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में 300 के कॉल ऑप्शन में M&M फाइनेंस के देखने को मिल सकते हैं। M&M फाइनेंशियल्स में मूव अच्छा आता हुआ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।